महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार से खास बातचीत की मुंबई ब्यूरो प्रभारी डॉक्टर संजय प्रभाकर ने। कमेटी की बैठक हुई, हम बात करते हैं, 150 मिनट बात हुई और हमारे साथ है वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार जी। सुधीर जी, 150 मिनट तक मंथन हुआ, क्या मक्खन निकला? मक्खन सीधा और स्पष्ट है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो बातें चल रही हैं शिवसेना, आपने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कोई जवाब नहीं आया है, ये कैसा प्रस्ताव था जो वो नहीं मान रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो भी प्रस्ताव है कम ज़्यादा होता रहता है, मगर हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं यही उसका निष्कर्ष है, यही इसका मक्खन है। अपनी सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हम शिवसेना का इंतजार करेंगे, हम सरकार बनाने। देवेंद्र फडणवीस जी को अध्यक्ष चुना गया और इस समय जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी निर्णय ले लिया गया है फाइनली, जो भी हो जाए। हाँ जी, वो तो विधिमंडल का नेता करके उनका चयन ही किया है, तो विषय का उपस्थित होगा। और साथ में ही अब जो शिवसेना लगातार एक ही बात पर अड़ी है कि मुख्यमंत्री हमारा भी आधा टर्म होना चाहिए, उस पर कोई भी समझौता नहीं होगा? वो तो चर्चा जब होगी तब होगा, समझौता का विषय नहीं, कोई भी प्रस्ताव हो, हाँ ना चर्चा के बाद होता है, मतलब संभावना है। नहीं, उसकी संभावना का विषय नहीं आप पूछ रहे, जाहिर रूप से संभावना, जाहिर रूप से प्रस्ताव की बात नहीं होती। प्रस्ताव हमने दिया है, उनको कुछ लगता है तो वो भी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सुधीर जी, सरकार कब तक बनेगी? पूरे महाराष्ट्र की जनता देख रही, पूरा देश देख रहा है। अभी जैसे मीटिंग हुई, हमने आपके सामने आके कह दिया है सरकार हम बना रहे, अब कल कोई भी दिन हम आपके सामने बताएंगे कि हम राजभवन जा रहे हैं। अच्छा, हम में आप और शिवसेना दोनों शामिल हैं या कोई और? अभी तो हम में हम दोनों शामिल हैं। क्या बात है। सुधीर मुनगंटीवार जो कि मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि दोनों जन शामिल हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं गोल मटोल जवाब दिया है, यानी कि समझौता हो सकता है, तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मुंबई से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।